अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे MTS 301 का लेक्चर नंबर 13। तो लेक्चर 13 के हमारे पास नॉर्मल नंबर है। तो लेक्चर नंबर 13 शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियो है वो आप लोगों को टाइम पर मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 13। देखिए आपको इसमें डेफिनेशन दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा या सारा कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और शुरुआत हमें एग्जाम्पल दी हुई है तो हम इसको देख लेते हैं। इस पर लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेट एंड नॉर्मल। जो काम हम ऊपर करके आए वही काम हमें यहाँ करना है। टेंजेंट प्लेट और नॉर्मल हम क्या करके आ चुके हैं, उसका फॉर्मला ये होता है। टेंजेंट प्लेट ये होता है और नॉर्मल का ये होता है, ठीक है। इसमें हमें ये दिया हुआ है, ये हमें फाइंड करना है। वैल्यूज दी हुई, हमें फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, उसके पॉइंट दिए हुए हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हमने क्या किया, वही पहले हमने एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, फिर वाई, फिर जेड, ठीक है। उसके बाद उसको पॉइंट पुट कर दिए, पॉइंट पुट कर दिया, हम हमारे पास ये वैल्यू हो गई। एक की जगह हमारे पास क्या है, एक की जगह हमारे पास टू पुट कर दिया। तो वाई की जगह क्या है, -4, तो -4 में आ गया। जेड की जगह क्या है, 6 आ गया, ठीक है। अब एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई, जेड की जगह जेड, और एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट। एक्स नॉट क्या हमारे पास ये, वाई नॉट ये, जेड नॉट ये, 1 -2, 3, ठीक है। हमने पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या किया, हमें निकालना है नॉर्मल नाउ। नॉर्मल का फॉर्मला क्या होता है, x-5x0 ÷ a, और इस तरीके से वाई जेड का फॉर्मला होता है, ठीक है। तो उसमें हमने वैल्यू पुट किया एक्स की जगह एक्स, ए क्या है, ए बी सी क्या, हमारे पास ए बी सी यहाँ पुट किया। एक्स नॉट किया हमारे पास, एक्स नॉट है हमारे पास -1, ठीक है। वाई नॉट, जेड नॉट तो पुट किया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप आगे हैं तो इसके अंदर आपको दिया फाइंड क्वेश्चन होगा टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन। वही ऊपर जो हमने किया वही मालूम करना है, तो आप देख लीजिएगा पूरा ऐसे होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन में भी यही करना है, तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो आप ये है ऑर्थोजोनल सरफेस, तो ये क्या होता है, देखिए इसमें आपको बताया हुआ है कि लेट एक्स वाई जेड एट बी एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दिए हुए एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा ये डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा ऑर्थोजोनल क्या होता है, तो हमारे तरफ आंसर 0 आए तो इसको बोलते हैं ऑर्थोजोनल सरफेस, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन दिए हुए एफ एक्स वाई जेड और जी एक्स वाई जेड, अब दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स जी एक्स हो जाएगा, ठीक है, और एफ वाई जी वाई हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ लिख दिया हमने और 0 के इक्वल हो गया एंड में, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एफ एक्स वाई जेड, हमें इक्वेशन ये दी हुई है, एक इक्वेशन ये दी हुई है, उसको लेट कर लिया इक्वेशन 1 है, ये 2 है, हमने इसको कर दिया एड इक्वेशन 1 और 2, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। इक्वेशन 3 के बाद हमने किया क्या, अब वैल्यू आ गई एफ एक्स वाई एफ वाई एफ जेड जी एक्स जी वाई जी वाई जी जेड, ठीक है, ये आ गई। अब हमें पता था इक्वेशन क्या थी ऊपर, इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन थी एफ एक्स जी एक्स एफ वाई जी वाई और प्लस एफ जेड जी जेड, ठीक है। ये इक्वेशन हमने लिखी, अब देखें वैल्यू एफ एक्स जी एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास, एफ एक्स जी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 4x² + y² ये कैसे आई, एफ एक्स ये 2x है, जी एक्स 2x है, ठीक है। तो अब आप इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, देखें यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई 2x 2x, 2x 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 × 2 = 4x². इसी तरीके से क्या होगा, वाई में भी यही होगा और 4y² आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका 4x² + y² है। फिर इसमें आपने कॉमन लेनी है, 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा ब्रैकेट में x² + y², तो इस तरीके से आपका ये आ गया। तो आप देखेंगे आपके पास वैल्यू आ गई वो एफ एक्स जी एक्स प्लस एफ वाई जी वाई, आप देखें एफ जेड जी जेड कैसे आया, कब देखें यहाँ पे देखें आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एफ जेड जी जेड, तो देखें 1 को मल्टीप्लाई किया -53 से, तो आंसर क्या आएगा -53, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गई। तो अब देखें आपका वैल्यू क्या आई है x² + y² 63/4, तो इसकी जगह इन्होंने ये वैल्यू लिख दी, ठीक है। फिर सॉल्व किया तो क्या हो गया, तो इसको हमने सॉल्व किया तो पूरा कट गया, 4 × 4 = 64 सपोर्ट कट गया, 8 × 63 कट गया, ठीक है, ठीक है। तो 4 × 4 कट जाएगा, इसका बचेगा 63 और -63, प्लस माइनस होता है माइनस कट जाएगा, तो हो जाएगा 0। ये आपका आ गया ऑर्थोजोनिटी सरफेस, ठीक है। सिंस दे सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ ऑर्थोजोनिटी, ठीक है, सो दे आर ऑर्थोजोनल, ठीक है। डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन क्या आगे देखें, क्या फॉर अ फंक्शन y = fx, तो y = fx क्या होगा, तो इसका क्या होगा डिफरेंशियल dy/fx, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपल, y है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy, ये आपको बताया हुआ इसमें, ठीक है। तो इस कॉल है डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन fx, ठीक है। तो आगे अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको डिफरेंशियल ऑफ एक्स इज द सेम एज एक्चुअल चेंज इन एक्स, ठीक है। डी एक्स दिया हुआ है आपको, मतलब क्या है, डेल्टा
डेल्टा का सिंटैक्स है एक्स है, ठीक है। तो बात एक ही है, आप आगे आए, देखें आपको जो है ये क्वेश्चन दिए हैं आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ वैल्यू सपोज की भी लाइट की, तो आप अभी लेक्चर लेंगे ना तभी आप समझ पाएंगे। तो अब वैसे भी ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नहीं है, तो आप इसको देख लीजिएगा, लेक्चर लेंगे आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है, तो ये हम देख लेते हैं। बॉक्स विद स्क्वायर बेस हैज इट हाइट ट्वाइस इज विद द वेट ऑफ द बॉक्स इज 8.5 इंच विद अ पॉसिबल एरर ऑफ 3.5 इंच 0.3 इंच, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ एक बॉक्स है स्क्वायर का, ठीक है। उसमें जो हाइट है ट्वाइस है विड की, यानी विड जो है आपकी कितनी है 8.5 डी है, और उसकी हाइट कितनी ट्वाइस है यानी विड की डबल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें लिखा हुआ है लेट एक्स एंड एच बी द विड एंड द हाइट ऑफ द बॉक्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें देखें हमें पता है कि हाइट का जब देखें इसमें निकालने विड डी वी, तो हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच, ठीक है। वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें लिखा हुआ देखें सिंस एच इज इक्वल टू टू एक्स, क्या हमारी जो विड है वो हाइट के ट्वाइस है, यानी कि हाइट जो है वो विड के ट्वाइस है, ठीक है। हाइट जो है विड के ट्वाइस है, क्या करेंगे तो हम यहाँ पे लेट कर लिए वॉल्यूम कितना है हमारा, वॉल्यूम इज इक्वल टू टू एक्स, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू टू एक्स है, तो टू एक्स है, तो हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। इक्वेशन वन क्या है हमारे पास ये, ठीक है। तो हमने क्या किया सिंस एच इज इक्वल टू टू एक्स, ठीक है। हमने क्या किया एच की जगह पुट कर दिया टू एक्स पुट कर दिया, ठीक है। टू एक्स पुट कर दिया यहाँ पे, टू एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा टू एक्स, तो हमारे पास टू एक्स इस तरीके से आ गया। हमने क्या किया इसका डेरिवेटिव ले लिया, थ्री टू सिक्स, ठीक है, सिक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ठीक है। हमने सॉल्व कर दिया, इसमें वैल्यू पुट कर दिया हमारे पास 8.5, और डी एक्स हमें क्या दिया होता है 0.3 इंच, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने डी बी में पुट कर दिया, फॉर्मूला था हमारे पास जो आया था वो हमने इसमें पुट कर दी। तो इसकी वजह से एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास है 8.5, ठीक है। ना एक्स हमारे पास 8.5 वहाँ पुट कर दिया, ठीक है। वहाँ फॉर्मूला का स्क्वायर आ गया हमारे ऊपर, ठीक है। और डी एक्स डी एक्स क्या हमारे पास ये दिया हुआ, ठीक है। अब तक हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 6 से, ठीक है, ये आ गया। और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.3 से, तो ये देखना पे हमारे पास ये आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन की जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट है नहीं, आप देखना चाहते देखें पेपर में आते नहीं है। तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद लेट करना है, लेट करने के बाद जो फॉर्मूला अप्लाई करना है उसके बाद आपको समझ पड़ना है, ठीक है। सर आप आगे आए तो आगे इसने भी यही करना है, एक्स्ट्रा चेंज दिया हुआ आपको, एरिया दिया हुआ है, फॉर्मूला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसमें लेट करना है, पढ़ना है किसी के साथ क्या है, तो आप देख लें। तो मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन ऐसे करना है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लेक्चर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। आप चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में अगर आप देखें लेक्चर 13 में, तो आपको वो क्वेश्चन एक भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ बॉल में करना फाइंड इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल लाइन दिया हुआ, ठीक है। नॉर्मल लाइन हमें फॉर्मूला बताया, ऊपर देख आ चुके हैं, सॉल्व भी किया हुआ, तो आप देख लें। इस अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इंडिया में, आपको ये भी आप देख चुके हैं, और इसी तरीके से आगे हैं। तो आगे आप दिया हुआ शो दैट द फॉल टू सरफेस इंटरसेक्शन और से जो मिली, तो एंड में जीरो लेके आना हो तो होता है, यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया हुआ आपको, तो यहाँ आप देख लीजिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं लेक्चर नंबर 14।